जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सेवा करने के लिए उद्यमियों ने मेरठ रोड पर स्थित धीरखेड़ा के पास धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कांवड़ शिविर लगाया है, जहां 24 घंटे कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। पिछले कई वर्षों से ये कैंप लगाया जा रहा है, जहां निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आईआईए के अध्यक्ष और उद्यमी शांतनु सिंगल ने बताया कि 12 जुलाई से शुरू हुए इस कांवड़ शिविर का समापन 15 जुलाई को होगा। ये 26वां कांवड़ शिविर लगाया गया है, जहां कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। ये 26वां कैंप है, पिछले 26 सालों से हर साल यहां पर कांवड़ियों की सेवा हो रही है, सेवा होती है। हजारों कांवड़ियाँ यहाँ आते हैं, रुकते हैं, कच्चे खाने की 24 घंटे यहाँ व्यवस्था रहती है। चाहे कोई रात में 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, सब व्यवस्था है। एम्बुलेंस परमानेंट रहती है यहाँ पर, दवाइयों का वितरण है, डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो सब हो रही है, रुकने की, सोने की, खाने की। जी, ये 12 तारीख से लेकर 15 तारीख की रात तक, 15 तारीख को जल है। धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव धीरज सोनू चुग ने बताया कि इस शिविर में ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग रहा है। हर वर्ष हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ शिविर में रुकते हैं। आस्था के सैलाब को देखते हुए शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, स्नान आदि की व्यवस्था की गई है। ये 26वां कैंप है और 2 साल केवल कोरोना की वजह से नहीं लगा था, अदरवाइज 28वां था। इसे 26 साल हो गए, मतलब लगातार 28 साल हो गए, लेकिन 26वां हम लोग लगा रहे हैं। इसमें ग्रामीण वासियों की तरफ से भी बहुत सहयोग मिलता है और धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग रहता है और इन्हीं के सभी मेंबर मिलकर पूरा सहयोग देते हैं। तो हम सोचते हैं कि करीब 6-7 हज़ार आदमी के आसपास श्रद्धालु का होता है और भीड़ ज़्यादा हो जाती है रात में कई बार, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ कच्चे भोजन की व्यवस्था जो यहाँ से लेकर मेरठ तक कहीं भी नहीं है, केवल कच्चा भोजन हमारे यहाँ ही उपलब्ध होता है। भक्ति के रंग बिरंगे शिव भक्त बम भोले के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमियों ने निस्वार्थ भाव से यह कांवड़ शिविर लगाया है, जहां हर समय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। कांवड़ शिविर में धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, कोषाध्यक्ष अतुल गोयल, उद्यमी ललित अग्रवाल छावनी वाले, उद्यमी अमन गुप्ता आदि ने शिव भक्तों की सेवा की।